साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले हमें अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक करने का अधिकार है। पीएम मोदी का दावा, कहा 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, तब हमारी जिंदगियों में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, लंबे समय तक दुनिया भारत को 100 करोड़ भूखे लोगों का देश मानती रही। G20 को लेकर पीएम मोदी का बयान, बोले G20 की अध्यक्षता में कई पॉजिटिव बदलाव सामने आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर समिति ने चर्चा शुरू की, केंद्र सरकार ने कहा लोकसभा चुनाव पहले से या बाद में करवाने का इरादा नहीं है। उदयनिधि सनातन धर्म समाप्त करने वाले बयान पर कायम, बोले पीएम मोदी भी करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात। भारत जोड़ो यात्रा की पहली एनिवर्सरी मनाएगी कांग्रेस पार्टी, बोली 7 सितंबर को देश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। एक देश एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बयान, बोले वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला है। एमके स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को भाजपा की साजिश बताया, कहा जो कमेटी बनाई गई है 10 अमित शाह का कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस सनातन धर्म का अपमान कर रही है, ये जितना बोलेंगे उतना कम होते जाएंगे, 2024 में दूरबीन से दिखाई नहीं देंगे। प्रफुल्ल पटेल बोले उद्धव चाहते तो बच जाती एमवीए सरकार, हमने 2.5 साल के लिए सीएम पद मांगा था लेकिन जवाब नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने खुद को हरियाणा का छोरा बताया, भिवानी में बोले वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, सब बीजेपी के चोचले। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी स्ट्रेटजी। जेपी नड्डा ने INDIA को कहा घमंडिया गठबंधन, सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल, क्या यही आपकी रणनीति। मणिपुर के इम्फाल में आखिरी 10 कुकी परिवारों को भी किया गया शिफ्ट, घरों से जबरन बेदखल करने का आरोप, पूर्वाधिकारी शांति बहाली से करेंगे मदद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा, कहा अखिलेश यादव और शिवपाल में फिर छिड़ी जंग, यूपी की सभी लोकसभा सीट जीतने का दावा। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, इस गठबंधन में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रात में लगाई अदालत, अयोध्या में ट्रेन में खून से लथपथ मिली थी महिला कांस्टेबल, सरकार से मांगा जवाब। सीबीआई का लखनऊ में सेना से जुड़े ऑफिस में छापा, ब्रिगेडियर कर्नल सहित 3 अफसरों पर दर्ज की FIR, प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने में भ्रष्टाचार के आरोप।
बाराबंकी में तीन मंजिला इमारत गिरी, रात 3 बजे सोते समय हुआ हादसा, 2 की मौत, 4 अब भी मलबे में दबे, कमजोर नींव पर खड़ी कर दी थी इमारत। गोरखपुर में महिला की मौत पर परिवार का हंगामा, शव रख किया सड़क जाम, पति बोला सुबह हो गई थी मौत, शाम तक पैसे वसूलते रहे अस्पताल वाले। आगरा में ससुराल के बाहर धरने पर बैठी बहू, बोली पति ने दूसरी शादी कर ली, ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे। मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली मारकर पकड़ा, झांसी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, 2 साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भागे। बुलंदशहर में चलती कार में छात्रा से गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका, नौकरी दिलाने का झांसा देकर साथ ले गया था आरोपी। कानपुर में रातोंरात लाइफस्टाइल बदलने का धर्मांतरण प्लान, एक ही पैटर्न पर कानपुर में 6 बड़े मामले। नोएडा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, ऑटो चलाता था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, आईटी से की गई पहचान। गंगा नदी में छोड़ी जाएगी चिलाता मछलियों की अंगुरिकाएं, देश में पहली बार वाराणसी के रविदास घाट पर मंगलवार को होगा आयोजन। झांसी का पराग प्लांट घाटे में घी बनाने की तैयारी, 2 करोड़ से अधिक के घाटे में है, 7000 लीटर दूध सेना को होती है सप्लाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कारोबारी से मांगी रंगदारी, मांगने वाला बोला 1 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। गैर जनपदों से तबादले पर आए शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, विधायक ने बीएसए को पत्र लिखा, निस्तारण करने को कहा, विभाग पर खड़े हो रहे सवाल। आगरा में घर के बाहर सोते समय किसान की हत्या, धारदार हथियार से हमला, कई जगह गहरे घाव, जांच में जुटी पुलिस। घोसी उपचुनाव में शिवपाल का मैनपुरी मॉडल, 5 साल में पहली बार चाचा को मिला सबसे बड़ा टास्क, 15-3 में जमाया डेरा। ₹50,000 की नामी बदमाश से मलपुरा पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। मिर्जापुर डीएम की विदाई, आंखें नम, फूलों की वर्षा, कलेक्ट्रेट में गूंजा भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा दिव्या मित्तल का नाम रहेगा। मुरादाबाद में मकान की दीवार गिरी, पड़ोसी खोद रहा था दीवार से सटाकर गड्ढा, पानी भरने की वजह से हुआ हादसा। अमरोहा के हसनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, संबल के युवक की मौत, पत्नी को लेने आ रहा था ससुराल। मेरठ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बच्ची की मौत, सड़क पार कर रही थी सोनिका, पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी खंगाल रही। प्रियंका गांधी को रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग, कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में बूथ कमेटियों का गठन, प्रियंका को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पारित। कानपुर में डंपर ने हेड कांस्टेबल को रौंदा मौत, फॉलोवर घायल, बाइक से बांदा से घर आ रहे थे दोनों, डंपर छोड़कर चालक हुआ फरार। कुशीनगर में पकड़ी मरदहा में बंदरों का आतंक, 4 को किया जख्मी, प्राइवेट टीमें ग्रामीणों को बंदरों से नहीं दिला पा रही निजात।
किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट। बरेली में कॉल गर्ल पर लुटा दिए पत्नी के पैसे और जेवर। पुलिस ने पहुंचते ही लड़कियां गेट खोलकर भागी। अयोध्या में वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना होगी विकसित। योजना के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। किसानों से खरीदी जाएगी 70 एकड़ जमीन। मेरठ में बंद घरों को रेकी कर करते थे चोरी। पुलिस ने 3 शातिर चोर को पकड़ा। चोरी का सामान बरामद। 1 अगस्त को चोरी पर मिली थी शिकायत। किराए के मकान में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। पुलिस ने छापा मारकर 7 को गिरफ्तार किया। विस्फोटक सामग्री व मशीनें बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस ने किया 3 बाइक चोर गिरफ्तार। महंगे नशे की पूर्ति के लिए करते थे चोरी। 5 चोरी की बाइक भी हुई बरामद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पहुंचे देहरादून। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी। सोमवार को कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होगा सदन की कार्रवाई का एजेंडा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ पहुंची मां राजराजेश्वरी और वाणीसुर महाराज की डोली। ढोल दमाऊं की थाप पर किया नृत्य। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का निरीक्षण। कोरोनेशन के लैब में लगा मिला ताला। मरीज बोले देरी से आती है रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की में पंचायत ने प्रेमिका से प्रेमी के हाथ पर बंधवाई राखी। फिर युवक के घर पहुंच शादी की जिद पर अड़ी युवती। उत्तराखंड के हरिद्वार में डेंगू का कहर। वन दारोगा की मौत। उत्तराखंड में मानसिक रूप से कमजोर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी ग्राम प्रधान गिरफ्तार। 2 फरार। उत्तराखंड में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा सेब से भरा पिकअप। चालक की मौत। 1 घायल गंभीर रूप से। घायल को हायर सेंटर किया गया रेफर। उत्तराखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। प्रेमनगर में तोड़ा गया धार्मिक स्थल। पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड में युवक ने पहले बनाया वीडियो फिर नहर में छलांग लगाकर दी जान। कई रिश्तेदारों को ठहराया जिम्मेदार। उत्तराखंड में घर के पास खड़े कार सवारों को बदमाश समझकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की फायरिंग। मची अफरा तफरी। चंद्रयान 3 से जुड़ी इसरो साइंटिस्ट बलार मथी का निधन। रॉकेट लॉन्च के समय उल्टी गिनती गिनी थी। हिमाचल में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। अगले 7 दिन भी कम बारिश के आसार। पटरी पर लौटने लगा जनजीवन। बिजली गिरने से उड़ीसा में 12 लोगों की मौत 14 घायल। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शिंदे सरकार को मराठा आंदोलन के नेता का अल्टीमेटम। 2 दिनों में आरक्षण की घोषणा करनी होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। पाक नेता ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकाया। दफ्तर खाली कराकर चुनावी तारीखें घोषित करने से रोका।
जिनपिंग के G20 समिट में नहीं आने से निराश बाइडेन, कहा मुझे निराशा हुई पर मैं उनसे मिलूंगा। जंग के बीच यूक्रेन ने रक्षा मंत्री को हटाया, अब रुस्तम उमेरोव को मिले जिम्मेदारी। जेलेंस्की बोले मंत्रालय को नई अप्रोच की जरूरत। पाकिस्तान में ISIS से जुड़ी 5 महिला आतंकवादी गिरफ्तार, लाहौर और शेखोपुरा में पकड़ा। इटली में भालू की गोली मार कर हत्या, हमलावर ने कहा डर से गोली चलाई, दो शवकों की जिम्मेदारी लेगी सरकार। अमेरिका में 70,000 लोग कीचड़ में फंसे, कल्चर फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए थे, सरकार ने खाना पानी बचाने को कहा। वैज्ञानिकों की भाषाएं अलग पर उच्चारण एक जैसा, रिसर्चर्स ने इसे अंटार्कटिका एजेंट कहा, 4 देशों के साइंटिस्ट की आवाज पर हुई स्टडी। फ्लोरिडा में चक्रवात के बीच आराम से साइकिल चलाता दिखा युवक, यूजर ने कहा तूफान में जोखिम उठाना खतरनाक है। कनाडा में शादी समारोह में गोलीबारी, 2 की मौत, अमेरिकी नागरिकों समेत 6 घायल। रूस का यूक्रेन पर 25 ड्रोन से हमला, नाइजीरियाई मस्जिद में बंदूकधारियों ने की गोलीबारी, 7 की मौत। रत्नवीर प्रीसीजन का IPO ओपन हुआ, जुपिटर लाइफलाइन और EMS लिमिटेड में निवेश का मौका। होंडा की पहली SUV एलिवेट की लॉन्चिंग, 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर के माइलेज का दावा। अगस्त में UPI ट्रांजैक्शन 1,000 करोड़ के पार, टोटल लेनदेन की वैल्यू 15.18 लाख करोड़, जुलाई में 1996 करोड़ थी UPI पेमेंट की संख्या। मांग घटने से रूस से कच्चा तेल आयात, 7 महीने में सबसे कम, सौर क्षमता स्थापना की दर बढ़ी, AFPI का निवेश सिर्फ 12.262 करोड़। रियल एस्टेट पर रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ बकाया, वाणिज्य कार्यालयों की मांग अधिक, इस साल नई ऊंचाई पर पहुंचेगी बिक्री। ब्रिटेन में पोर्ट टालबोट संयंत्र के लिए धन जुटाने को लेकर ब्रिटेन सरकार से बात कर रहा टाटा स्टील, अंतिम चरण में वार्ता। भारत के प्रतिबंध में दुनिया में मची खलबली, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे चावल के दाम, दुनिया भर में चावल की कीमत $1,000 से ज्यादा हो सकता है। बैंकों में वापस आए 2,000 रुपए के 93% नोट, 30 सितंबर जमा कराने की आखिरी तारीख, जमा कराए गए 87% नोट। रियलमी से 51 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें 50 MP प्राइमरी कैमरा और आईफोन 14 प्रो वाला डायनेमिक आइलैंड फीचर। सोना और चांदी हुए महंगे, 59,521 रुपए प्रति 10 ग्राम चांदी प्रति किलो रेट पर कारोबार कर रही। एशिया कप में 89 रन से जीता बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने 52 रन बनाने में गवाए आखिरी 7 विकेट, मिराज सांतो की सेंचुरी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घर आया नन्हा मेहमान, पत्नी संजना गणेशन ने बच्चे को दिया जन्म, नाम रखा अंगद।
कोलंबो से शिफ्ट हो सकते हैं एशिया कप मुकाबले। शहर में बाढ़ जैसे हालात, सुपर फोर स्टेज के लिए कैंडी और दांबुला के ऑप्शन। महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, चीन के विश्व चैंपियन को पछाड़कर टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट पर किया कब्जा। मोहन बगान ने रचा इतिहास, मोहन बगान ने 23 साल बाद पहली बार टूरंड कप खिताब जीता, साथ ही वह 17वीं बार चैंपियन बने। मेहंदी हसन और नजमुल सांतो का बड़ा धमाका, मेहंदी हसन और नजमुल की ये एशिया कप में तीसरे विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी रही। सीपीएल में गर्जा 143 किलो वजन वाले खिलाड़ी रहकीम कॉर्नवाल का बल्ला 12 छक्कों की मदद से 45 गेंद में ठोका शतक। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का किया सुपड़ा साफ, तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट से हराया। ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 48 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली। पाकिस्तानी फैन ने रेत पर बनाई विराट कोहली की तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पीलू रिपोर्टर का 84 साल की उम्र में निधन, टेस्ट में दुनिया के थे पहले तटस्थ अंपायर। रिपोर्टर ने करियर में 14 टेस्ट और 22 एक दिवसीय मैचों में अंपायरिंग की। 500 करोड़ पार हुए गदर 2, चौथे रविवार कमाए 8 करोड़, मात्र 24 दिनों में सबसे तेज 500 करोड़ कमाने का बनाया रिकॉर्ड। राजेश खन्ना डिंपल के रिश्ते पर बोली बेटी ट्विंकल खन्ना, मेरे पेरेंट्स साथ होते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं होती, हमेशा काम नहीं कर पाती। ड्रीम गर्ल 2 के सक्सेस पर बोले आयुष्मान खुराना, कहा इस फिल्म का सफल होना बहुत जरूरी था, ये मेरे लाइफ की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म थी। जिला ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किया 637 करोड़ का कलेक्शन, यूके नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाली तमिल फिल्म बनी। सिंगर मास्टर सलीम विवादों में घिरे, डेरे में टिप्पणी पर चिंतापूर्ण, मंदिर के पुजारी भड़के, पंजाबी गायक की सफाई, अचानक शब्द निकला। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर प्लांट किए 6 पैक एप्स, अपने फिटनेस ट्रेनर को हर महीने 20 लाख रुपए देते हैं एक्टर। अमीषा पटेल ने कहो ना प्यार है पर बात की, बोले शाहरुख आमिर की फिल्मों के बीच किसी को ऋतिक रोशन पर भरोसा नहीं था। जवान की हो रही बंपर एडवांस बुकिंग, दिल्ली मुंबई में बिक रहे धुआंधार टिकट, एसआरके की फिल्म पहले ही दिन तोड़ेगी पठान का रिकॉर्ड। अक्षय कुमार की बदौलत मिली यामी गौतम को MG2, अभिनेत्री ने कहा मैं उनके सक्रिय सम्मेलन को देखकर बहुत खुश थी। द फैमिली मैन के सेकंड सीजन को लेकर परेशान थे मनोज, राज डीके ने 20 मिनट में रोल के लिए मनोज बाजपेयी को किया था फाइनल। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।